एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका यूज़ ऑनलाइन क्लासेस के लिए किया जा रहा है, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए उस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाए, साथ ही उसके क्या फीचर्स हैं वो भी मैं इस ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्को वेबएक्स पर एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे टाइप करना है सिस्को वेबएक्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो दूसरे नंबर की जो लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस डालना है जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर होना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, चेक योर इनबॉक्स टू गेट स्टार्टेड, वी सेंट एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक टू योर गिवन मेल आईडी, इट विल एक्सपायर इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो सबसे पहले आपको जाना है आपके ईमेल आईडी पे, वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको मेल आया है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल आ चुका है। वो आपको इस मेल के अंदर जो एक क्रिएट पासवर्ड का बटन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो पासवर्ड क्रिएट करना है जो आप बार बार यूज करेंगे लॉगिन के लिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 लेटर्स, अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, एटलीस्ट 1 नंबर। तो हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ों पे ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो एकदम सही है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो आप नेवर पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपकी मीटिंग यूआरएल भी बन गई है जो कि आपकी पर्सनल रूम यूआरएल है। यहाँ पे मेल पे भी ये यूआरएल आपको दी हुई है। ये आपको तब काम आएगी जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका अकाउंट रेडी हो गया है। यहाँ पे कुछ बेसिक टैब्स इसके दिए हुए हैं, जैसे कि मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स आप शेड्यूल करेंगे या जो मीटिंग्स आप कर चुके हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मीटिंग टैब्स के अंदर दिखाई देगी। रिकॉर्डिंग्स जो आपकी रहेंगी वो यहाँ रिकॉर्डिंग सेक्शन में दिखाई देगी। अगर आप कोई भी मीटिंग को होस्ट करते हैं और साथ में रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको दिखाई देगी। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप सेव कर सकते हैं आपकी आने वाली मीटिंग्स के लिए। जनरल यहाँ पे टाइम आप चेंज कर सकते हैं ताकि जब आप मीटिंग शेड्यूल करें तो ये जो टाइम रहे ये आपके अकॉर्डिंग रहे। हम यहाँ से ये चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, टाइम जोन जो है। रीजन भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, वैसे यहाँ पे रीजन कुछ है नहीं तो यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं, इंग्लिश हमेशा रहने देते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। तो हम चलते हैं माय पर्सनल रूम में। यहाँ पे पर्सनल रूम की लिंक जो है वो आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। पोस्ट पिन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली लॉक माय रूम आफ्टर 10 मिनट्स,
10 minutes after meeting starts, so people can enter until I admit them. यहाँ पे जो मीटिंग रूम है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ स्टार्ट. मीटिंग के शुरू होने के 10 मिनट बाद जो है ये जो मीटिंग है ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. नोटिफाई मी बाय ईमेल व्हेन समवन एंटर्स माय पर्सनल रूम लॉबी व्हाइल आई एम अवे. अगर कोई मीटिंग में ज्वाइन होता है जब आप मीटिंग में नहीं है तो वो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन भेजेगा आपके ईमेल पे. इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं. हम ऑडियो एंड वीडियो सेटिंग्स में जाते हैं. ऑडियो कनेक्शन टाइप वेबएक्स ऑडियो, एंट्री एंड एग्जिट टोन, उसको हम कुछ भी नहीं छेड़ते हैं. फिर हम आते हैं शेड्यूलिंग के अंदर. यहाँ पे अगर आप कोई मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो आपको एक कॉपी आ जाए. इसको हमने कर दिया शेयर रिकॉर्डिंग. ऑटोमेटिकली शेयर द रिकॉर्डिंग व्हेन इट्स अवेलेबल आफ्टर द मीटिंग. इसको भी आप टिक कर दीजिए तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास आ जाएगी. रिकॉर्डिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का व्यू है कि किस तरह से रिकॉर्डिंग को है आप किस तरह वो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करें. वीडियो थंबनेल व्यूज, एक्टिव स्पीकर व्यूज, कंटेंट ओनली व्यूज. तो यहाँ पे एक्टिव स्पीकर व्यू आप कर लीजिए तो आपको कंटेंट और स्पीकर दोनों दिखाई देंगे. तो आप सेव कर दीजिए. यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड. इतना करने के बाद ये जो इनसाइट्स है ये काम में आता है जब आप कोई भी मीटिंग ले चुके होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपकी मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन हुए थे, आपने मीटिंग कब शेड्यूल करी थी, मीटिंग की क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या नाम था, कितनी बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती इनसाइट्स के अंदर. क्योंकि अभी हमने कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं करी है इसलिए ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा. तो अब हम होम पे वापस जाते हैं. आप मीटिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है यूज डेस्कटॉप ऐप, यूज वेब ऐप. देखिए यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे वो टिक हो जाएगा. अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है वेब एप्लीकेशन के थ्रू तो वेब ऐप से हो जाएगा. अगर आप डेस्कटॉप ऐप से एप्लीकेशन को अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप सिलेक्ट कर लेगा. अब उसके लिए पहले आपके सिस्टम पे डेस्कटॉप ऐप होना चाहिए. तो ये जो डाउनलोड सेक्शन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. इसको हम डाउनलोड करते हैं. यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है. डाउनलोड कंप्लीट हो गया है. अब हम चलते हैं उसे इंस्टॉल करने के लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेबएक्स का ऐप आ गया है. इसे हम डबल क्लिक करते हैं. यहाँ पे मैसेज आ गया फिनिश कर, तो फिनिश कर दीजिए. जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गई है. यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है जिसके थ्रू हमने रजिस्टर किया था. तो मैं यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ. अब यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है. ये पासवर्ड हमने वहाँ पे सेट किया था इसे लॉगिन करने के लिए. तो पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और ये लॉगिन भी हो गई है. यहाँ पे नाम शो हो रहा है,
मेरा पर्सनल रूम का लिंक शो हो रहा है, स्टार्ट मीटिंग शो हो रहा है, शेड्यूल करने का ऑप्शन आ रहा है, अपकमिंग मीटिंग्स अगर आपकी कोई शेड्यूल करी हुई है तो वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे मीटिंग का एड्रेस डाल सकते हैं तो आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से वीडियो को है ऑफ करा हुआ है, माइक को मैंने म्यूट नहीं करा हुआ है। अगर माइक को मैं म्यूट करता हूँ तो यह रेड कलर का हो जाता है, तो यहाँ से मैंने माइक को ओपन रखा हुआ है। ये यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा एक ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्टेड है तो ये टेस्ट करेगा, इस तरह की आवाज़ मुझे सुनाई देगी टेस्ट करने पे। और ये मेरा माइक्रोफोन जो है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, हेडसेट माइक्रोफोन ब्लूटूथ हैंडसेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी मीटिंग में ज्वाइन हो उसके पहले आपका जो स्पीकर और जो माइक्रोफोन है वो आप टेस्ट कर लें। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट वॉल्यूम तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता रहेगा। ओके, तो ये आपका सेटिंग्स हो गई है, वो आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मीटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आया है, यू कैन मैनेज योर ऑडियो वीडियो एंड डिवाइस सेटिंग्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं, यहाँ से पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो को स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मोर ऑप्शन पे आप मीटिंग को लॉक कर सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं, मीटिंग की लिंक कॉपी कर सकते हैं किसी को भेजने के लिए, ऑडियो कनेक्शन चेक कर सकते हैं, स्पीकर माइक्रोफोन कैमरा को आप चेक कर सकते हैं और नोट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं अगर आपको कुछ बनाना है तो मीटिंग से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे ऊपर ये जो मेन्यू बार दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले आपकी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दिख जाती है। ये व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे शो पार्टिसिपेंट वीडियो के ऊपर क्लिक करा हुआ है तो पार्टिसिपेंट का वीडियो आपको दिखता रहेगा। शो और हाइड मीटिंग कंट्रोल, ये जो मीटिंग कंट्रोल नीचे है इसको आप शो और हाइड यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो की सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स आपको करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, खुद को म्यूट करने के लिए म्यूट मी, खुद को अनम्यूट करने के लिए अनम्यूट मी, सभी को म्यूट करने के लिए म्यूट ऑल, सभी को अनम्यूट करने के लिए अनम्यूट ऑल, सभी मीन सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट ऑन एंट्री। आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जब आए तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाए तो आप इसको टिक कर दीजिए। एंट्री एंड एग्जिट टोन जो कि आपको सुनाई देगी, एनीवन कैन शेयर उसको आप चेंज कर दीजिए कि कोई भी जो है वो शेयर कुछ भी नहीं कर सकता है। असाइन प्रिविलेजेस, यहाँ से प्रिविलेजेस और जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट कैन चैट प्राइवेटली विथ होस्ट प्रेजेंटर अदर पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट किससे चैट कर सकता है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, होस्ट से प्रेजेंटर से अदर पार्टिसिपेंट से आप यहाँ से हटा दीजिए। पब्लिकली वो सबसे चैट कर सकते हैं, पब्लिकली विद एनीवन, तो यहाँ से आप एवरीवन पे क्लिक करने दीजिए। ओके, फिर आप चलते हैं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, तो सिलेक्ट द प्रिविलेजेस, सिलेक्ट द प्रिविलेजेस दैट You want to assign to all participants. तो आप participants को क्या क्या assign करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। Share documents आपने बंद करके रखा है, control shared computer remotely ये भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए। Participant list वो देख सकते हैं, thumbnails वो देख सकते हैं, print का आप हटा दीजिए, document print नहीं कर सकते, save का आप हटा दीजिए, एनोट का भी आप यहाँ से हटा दीजिए वरना वो आप किसी न किसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। इतना करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने मैनेज कर ली हैं।
यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड ऑन माय कंप्यूटर, यहाँ से आपने टिक कर दिया है। वेलकम मैसेज आप दिखा सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट्स जब कोई ज्वाइन होता है तो क्या वेलकम मैसेज दिखना चाहिए वो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। डिस्प्ले दिस मैसेज व्हेन अटेंडिंग ज्वाइन द मीटिंग, यहाँ से ओके कर दीजिए। ये मीटिंग के ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट मीटिंग ऑप्शन, अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू टर्न ऑन वीडियो, चैट, नोट्स, अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू मेक नोट्स, इसको बंद कर दीजिए। कंटेंट शेयरिंग, इम्पोर्ट मोड। तो एक जनरल में चैट का आप और अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू टर्न ऑन वीडियो रख सकते हैं। बाकी सब अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो टर्न ऑन नहीं कर पाए तो उसको भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए। फिर चैट का आप ऑप्शन रहने दीजिए। अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ। अभी मैं इसको ऑन रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इस मीटिंग में मेरे मोबाइल डिवाइस के थ्रू ज्वाइन होता हूँ। अब ये जो मीटिंग नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसके थ्रू मैं मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। मैं यहाँ से उस पार्टिसिपेंट का रोल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं अगर उसे प्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसे प्रेजेंटर बना सकता हूँ, उसे होस्ट बना सकता हूँ। यहाँ से मैं उसे परमिशन दे सकता हूँ एनोटेशन के लिए। जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो मीटिंग है लॉक हो गई है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अलाउ एनोट का ऑप्शन दे दिया है। जब मैं यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं यहाँ से क्या शेयर कर सकता हूँ। शेयर फाइल, अदर एप्लीकेशन, वाइट बोर्ड, जो भी मेरे एप्लीकेशंस ओपन हैं उसे मैं शेयर कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे ऑप्टिमाइज फॉर मोशन एंड वीडियो, अगर मुझे मोशन एंड वीडियो शेयर करना है, शेयर योर कंप्यूटर ऑडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो शेयर करना चाहता हूँ तो वो मेरे पार्टिसिपेंट्स को उसकी जो वॉइस है वो सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ से ये शेयर योर कंप्यूटर ऑडियो को आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तभी जो है वो वीडियो की वॉइस भी पार्टिसिपेंट्स को सुनाई देगी। अब जैसे मैं यहाँ से व्हाइट बोर्ड को सबसे पहले शेयर करता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड को शेयर करने के लिए मुझे यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस को सिलेक्ट करके व्हाइट बोर्ड को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया है, ये व्हाइट बोर्ड हमारा आ गया है। तो इससे जो पार्टिसिपेंट है वो आपके अलाउ करने पे एनोटेट कर सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एनोटेट कर रहा हूँ और ये पार्टिसिपेंट की स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो वो भी पार्टिसिपेंट की स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर ऑल एनोटेशंस को करके मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। तो ये प्रोसेस था व्हाइट बोर्ड को यूज करने का। अगर आप शेयर कंटेंट को बंद करना चाहते हैं तो आप यहां से आइए, ऐसे बंद कर दीजिए। क्लोज कंटेंट टैब, क्लोजिंग दिस टैब विल रिमूव कंटेंट फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट व्यूअर्स। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। डू यू वांट टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट? नो। तो ये आपका जो शेयरिंग है वो क्लोज हो गया है। अब आपको मैं दिखा दूं कि अगर वीडियो शेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑप्टिमाइज फॉर मोशन एंड वीडियो कर दिया है, शेयर और कंप्यूटर ऑडियो कर दिया है। यहाँ से हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे कि जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन से शेयर कराया है वो यहाँ पे शेयर हो गया है।
आप देख सकते हैं कि जब हमने स्क्रीन शेयर करी है तो यहाँ पे ये एक पैनल जो है शेयरिंग का वो यहाँ पे आ गया है। इसमें चैट एनोटेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सेम ऐसा ही एनोटेट का ऑप्शन यहाँ पे जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दिया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन पे एनोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से रिक्वेस्ट करने को बोलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है, क्योंकि मैंने एनोटेट का ऑप्शन वहाँ पे स्टार्ट करके रखा हुआ था। मैंने अगर इसको अप्रूव करा तो जो पार्टिसिपेंट है वो मेरी स्क्रीन पे कुछ भी कर सकता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये होता है पार्टिसिपेंट को एनोटेशन अलाउ करने का ड्रॉबैक। देख सकते हैं आप ये कि मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। तो मुझे ये जो एनोटेशन है ये ऑफ करना है। तो मैं पार्टिसिपेंट के ऊपर गया, मैंने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करा, यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके अलाउ एनोटेट को बंद कर दिया। अब अगर वो मुझसे परमिशन मांगता है तो मुझे परमिशन को नहीं देना है। जैसे अगर उसने परमिशन मुझसे वापस से मांगा, मुझे परमिशन को डिक्लाइन कर देना है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे हम शेयर कैसे करते हैं। स्टॉप शेयरिंग करना है तो आप यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर देंगे तो ये शेयरिंग बंद हो जाएगी। एनोटेशन का आपने ऑप्शन देख लिया है, रिकॉर्डिंग का आपने ऑप्शन देख लिया है, व्हाइट बोर्ड कैसे शेयर करते हैं आपने देख लिया है, म्यूट अनम्यूट कैसे करते हैं, वीडियो को ऑफ कैसे करते हैं, चैट कैसे करते हैं ये आपने देख लिया है। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों से सिस्को वेबएक्स के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाए ये डिस्कस करा है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखा दिए हैं, जैसे कि अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप वेबएक्स से ऑनलाइन क्लास किस तरह से ले सकते हैं। अब जब भी आपको मीटिंग एंड करनी है आप यहाँ से मीटिंग को एंड करेंगे। एंड मीटिंग आपको करना है ताकि वो सभी के लिए एंड हो जाए। अब हम वापस से हमारे वेबएक्स की वेबसाइट पर आ गए। अब हम यहाँ पे इनसाइट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इनसाइट्स हमें मिला है कि नहीं मिला है। रिकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हमें रिकॉर्डिंग मिली है। तो अभी यहाँ पे इनसाइट्स और रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीटिंग जस्ट अभी एंड हुई है तो डेटा को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो ये इनसाइट्स आपको शो होंगे विद इन एक या दो घंटे के बाद, आपको मीटिंग के जो इनसाइट्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सिस्को वेबएक्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख लिया है। और अब आप लोग अगर खुद से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सिस्को वेबएक्स का यूज़ करके, तो आप इजीली इस ट्यूटोरियल की मदद से ये चीज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने में तकलीफ आ रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और ट्यूटोरियल आप तक मैं पहुंचा सकूं। और जैसे ही मैं मेरा कोई नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम।